हेलो फसलो, तो हैप्पी न्यू ईयर मेरे फसलो। तो कैसे हो आप सब लोग? टाइटल तो आपने रीड कर ही लिया होगा, थर्ड पार्टी एमुलेटर मैचिंग प्रॉब्लम सॉल्व। तो गाइस, जो भी थर्ड पार्टी एमुलेटर है अदर देन गेम लूप, जैसे कि फोनिक्स OS, LD प्लेयर एंड जो भी अलग अलग एमुलेटर से थर्ड पार्टी, उनको मैचिंग में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। तो गाइस, उसका सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। तो गाइस, यहाँ पे मैं पबजी मोबाइल ग्लोबल खोल के बता रहा हूँ आपको, और मैचिंग में कितना टाइम लगता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन ने जो कि उसको मैंने ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं पबजी मोबाइल ग्लोबल ऑन होने तक। तो गाइस, ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन में हो रही है, क्योंकि ग्लोबल वर्जन पूरा बिगड़ चुका है, मैचिंग प्रॉब्लम नहीं हो पा रही है। तो मैचिंग के अंदर बांग्लादेश से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से, कहाँ से प्लेयर आ जाते हैं और पिंग हाई आता है गाइस, और हम खेल नहीं पाते हैं। तो गाइस, इसका सॉल्यूशन एक ही है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कितना टाइम लगता है थर्ड पार्टी एमुलेटर में अगर हम ग्लोबल वर्जन खेलते हैं। तो गाइस, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने ग्लोबल वर्जन ऑन कर दिया है, तो ये ग्लोबल वर्जन लोड हो रहा है। तो थोड़ा वेट करो और थोड़ा सर्वर रखो। तो यहाँ पे गेम ऑन हो रहा है अपना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे गाइस, मैचिंग में इतना टाइम लगता है, कभी कभार तो एक मिनट के ऊपर चला जाता है गाइस, और पिंग भी हाई मिलता है अपन को, जो कि 80 MS के ऊपर पिंग मिलता है, नीचे नहीं मिलता, जो कि 20 MS, 44 MS, 40 MS मिलना चाहिए, जिसके अंदर गेम प्ले हम बढ़िया कर पाए, बट इतना भी नहीं मिलता अब तो ग्लोबल वर्जन के अंदर जो भी थर्ड पार्टी एमुलेटर है। गाइस, मेरा ये फोनिक्स OS है, तो मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ। तो गाइस, आप देख लो, यहाँ पे मैंने मैप वैप सेलेक्ट कर लेते हैं, पहले एरंगल सेलेक्ट कर लिया है, ओके कर दिया, ऑटो मैचिंग भी ऑन कर लेते हैं, यहाँ से हम ओके कर लिया गाइस, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हो कितना टाइम लगेगा, 3, 4, 5, 6, अभी तक गाइस जो मैचिंग टाइम है वो भी नहीं बताया गया, अप्रॉक्सीमेटली 40 सेकंड बताया गाइस, बट ये 40 सेकंड में स्टार्ट नहीं होगा। तो वेट करके मैं दिखा देता आपको, ये 40 सेकंड से भी ऊपर चला जाएगा पर मैच स्टार्ट नहीं होने वाला है गाइस। देखो गाइस, ये देखो 21 बेच बच चुका है। तो क्या गाइस आपको लगता है 40 सेकंड में ये स्टार्ट हो जाएगा ग्लोबल? तो देखते, अगर स्टार्ट हो जाता है तो पिंग अच्छा नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हम 40 सेकंड होने वाले हैं गाइस, थोड़ा वेट कर लेते। 4 बंदे तो पूरे हो चुके हैं, बट 40 सेकंड होने वाले हैं, अभी तक गेम चालू नहीं हुई है गाइस। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे 40 सेकंड तो ऊपर चलाया गया है, गेम अभी भी स्टार्ट नहीं है गाइस। तो ग्लोबल वर्जन में यही प्रॉब्लम आती है गाइस, तो 1 मिनट से ऊपर चला जाता पर मैचिंग चालू नहीं होती, क्योंकि सर्वर चेंज होता है, लॉबी चेंज होती है, मिक्स सर्वर होता है, सारे कंट्रीज से प्लेयर आते हैं और पिंग भी हाई मिलता है। तो गाइस, इसका एक ही सॉल्यूशन है, आपको ग्लोबल वर्जन को बोलना पड़ेगा टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, और आपको डाउनलोड करना पड़ेगा KR वर्जन। तो गाइस, इसका वीडियो मैं आपको ऊपर आई में दे दूंगा, KR वर्जन कैसे डाउनलोड करना है, और सारे ऑल वर्जन का पबजी मोबाइल कैसे डाउनलोड करने है, फोनिक्स OS में थर्ड पार्टी एमुलेटर, बहुत ही अच्छा एमुलेटर ये। तो गाइस, आपको यहाँ पे खोल देना है, KR वर्जन में आपको खोल के दिखा देता हूँ गाइस। तो ये गाइस, मेरा ये सेल्फ एक्सपीरियंस है कि आपको थर्ड पार्टी एमुलेटर में खेलना है और मैचिंग जल्दी स्टार्ट करनी है तो ये सिर्फ KR वर्जन में होगी गाइस, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। तो ये गाइस, मुझे कैसे पता चला, मैं ग्लोबल खेलता था गाइस तो बहुत टाइम लगता था, तो मैंने सोचा एक बार KR वर्जन डाउनलोड करते थे। हमने KR वर्जन डाउनलोड किया, मैंने 2-3 मैच खेले गाइस, तो बहुत ही फास्ट स्टार्ट हुआ, और जो अंदर आती थी गेम लूप की लॉबी आती थी गाइस, फोनिक्स OS की लॉबी नहीं आती थी। अगर आप ग्लोबल से खेलोगे तो आपकी जो लॉबी आएगी फोनिक्स वालों की आएगी, अगर आप KR खेलोगे तो सारे के सारे की लॉबी गेम लूप वाले आएंगे बंदे, वो भी 7.1 गेम लूप वाले बंदे आने वाले गाइस आपके साथ। तो डरने की कोई बात नहीं है, पिंग भी अच्छा आएगा, इंडियन सर्वर आएगा और बंदे भी गेम लूप वाले आएंगे, पूरी लॉबी गेम लूप की आएगी। तो जैसे कि पहला अपने फोनिक्स OS में होता था ग्लोबल में, तो KR वर्जन के अंदर ऐसा होता है गाइस, ग्लोबल पूरा सर्वर बिगड़ चुका, तब तक इंडियन वर्जन नहीं आएगा जब तक अपना ग्लोबल वर्जन जो ओरिजिनल वर्जन है वो सही नहीं होने वाला। तो गाइस, इंडियन वर्जन का वेट करो, तब तक KR खेलो, KR में मजे करो। तो गाइस, यहाँ पे हमारा KR स्टार्ट हो गया है, लोडिंग हो रहा है, तो थोड़ा सब्र रखो। तो यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया एमुलेटर इसने, तो हम जाते हैं यहाँ पे मैप वैप सेलेक्ट है गाइस, यहाँ पे ओके कर दिया, हम यहाँ पे मैच स्टार्ट कर देते थे गाइस, यहाँ पे मैंने गाइस मैच स्टार्ट कर दिया। तो गाइस, आप यहाँ देख सकते हो एक
अभी तक इसने भी अप्रोक्स टाइम बताया नहीं है। बाकी ये गाइस जल्दी स्टार्ट कर देकर जो अप्रोक्स टाइम बताता है ना उस पर, तो ये देखो गाइस 9 सेकंड में इसने गेम भी स्टार्ट कर दिया। तो गाइस इसे बोलते हैं एक्सपीरियंस, सेल्फ एक्सपीरियंस है गाइस। ये देखो केआर वर्जन ने इसने 9 सेकंड में मैच स्टार्ट कर दिया गाइस। और सब मैं आपको पिंग भी चेक करवा लेता हूँ गाइस, पिंग भी मैं आपको चेक करवा लेता हूँ गाइस। बहुत ही अच्छा पिंग आएगा, इंडियन वर्जन आएंगी, आपके जो भी टीममेट्स से चारों के चारों इंडियन हो गए तो मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। आप उनसे माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, तो मैं गाइस आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे गेम ऑन होने के बाद पिंग विंग कितना अच्छा आ रहा है एंड सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले फटाफट से मैच स्टार्ट हो जाए, मेरे को एक्सिट भी मानना है ना, सब माइनस वाइनस हो जाएगा टायर, आप भी समझते हो। तो गाइज मैं आपको या फिर दिखाई देता हूँ, जल्दी से लोड हो जा भाई। तो गाइज यहाँ पे मैच लोड हो चुका, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे आप ऑल माइक बंद कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम पिंग मस्त आ रहा है, 76 MH का गेम भी स्टार्ट हो गया, तो मैं गेम खेल लेता हूँ। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय गाइज़।